नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड टाइम क्लासिक सहारनपुर चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ये परसेंटेज है, और परसेंटेज जो चैप्टर होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है। कोई भी कॉम्पिटिटिव यानी एग्जाम दे दो तो इसमें दोस्तों कुछ अलग अलग टाइप के यानी अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बात को समझो, यानी अभी हमने किया क्या है। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मली मैं अभी सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, पर समझो देखो इसे, इन क्वेश्चनों को कितने आसानी से भी आप कर सकते हो। बट कब, जब आप ये फ्रिक्शन मेथड यानी फ्रिक्शन जानते हो। देखो जैसे ए 100% है, 100% को आप 1/1 लिख सकते हो, 50% को 1/2 लिख सकते हो, 33 से 1/3% को 1/3, और 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को, इस तरीके से आपने लिखा। अब देखो बात को समझो किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना आपको। देखो यही कहीं हम चार क्वेश्चन लिए अभी तो फिलहाल, लेकिन आपके जो एग्जाम में यानी आप जब बुक में सोल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजिली सोल्व रहेंगे। देखो, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है? कितनी है? 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? क्या पूछा हमें? अधिक किस से? 10% कम, ठीक है, 10% है, कम है, और पूछा क्या गया आपको? अधिक। तो अगर बात करी जाए तो 10% कहाँ है आपका? 10% ये है, 10% से अधिक क्या है? ये 11 से ही, 1/9%। तो आंसर इसका हो गया ये। लो देखो, सोल्व भी नहीं करना पड़ा, वह क्वेश्चन पढ़ा। अगर आपके ये टेबल याद है तो इतनी जल्दी आप इस किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कहा था, एक बार फिर समझ लो। सीता की आय गीता की आय से कितनी? 10% कम है। अधिक पूछा, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई 10%, 10% से अधिक ही है, समझ गए? अगला देखो, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा? पहले जितने व्यय में, जितने भी पहले था, तो क्या हुआ? घटा, यानी अधिक प्राप्त करेगा। 20, 20 से अधिक बताओ क्या होगा यहाँ? 20, 20 से अधिक कितना? 25%। तो इसका आंसर क्या हुआ? 25%। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कब है? अगर आपके ये याद है, फ्रिक्शन मेथड याद है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना है क्रय मूल्य से? 25% अधिक। उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो न ही हानि हो? न तो लाभ हो न ही हानि, यानी 25% अधिक था तो उससे कम, तो यानी 25% से कम क्या है? 20। आंसर आ गया, लो 20%। ठीक है, देखो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कितनी है? 20% अधिक। याद कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? अब अंदाजा लगा दो कितने प्रतिशत कम होगी। देखो 20% से कम क्या है? 16 से ही, 2/3%। लो जी, आई बात समझ में? देखो अगर दोस्तों आपके ये प्रिडिक्ट यानी सॉरी जो ये आपका फ्रिक्शन अगर आप बनाना समझ गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इतनी ही जल्दी आप इजीली देखो कितनी जल्दी आपको यानी सोल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना सोल्व के ही आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए सोल्व। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ठीक है, चलो अब मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहा, यानी किस तरीके से ये वैसे नॉर्मल तरीके से आप सोल्व करोगे। लो तो कुछ क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। जैसे सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी इसका मतलब ये तो सीता हुई गीता, अगर इसकी 100 है तो इसकी हुई 90, ठीक है? अब देखो कितने प्रतिशत, अब पूछा आपने कि बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? देखो कितना अधिक है? 10 सीता की आय से गुणा 100, तो काट दो, यानी 100/9 हुआ ना, ये हो गया 11 सही, 1/9%। ये देखो टिक लगता है आपका, यहाँ देखो समझ में आई बात? तो देखो अगर आप
तो ये जानते हो, ये समझते हो, तो इतने इजी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, बात आई समझ। अब जो अलग टाइप है और टाइप जितने भी हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है, लो देखो ध्यान से समझो। अब है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, वृद्धि भी हो और कमी भी हो दोनों पर आधारित प्रश्न। लिख दे टॉपिक आपने, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। अब समझो देखो, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कितनी बढ़ी 10%, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, समझ में आया ना। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला लगाना, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100, इससे जल्दी हो जाएगा सोल्व। कर तो देंगे उसी तरीके से भी, पर जल्दी सोल्व होगा। देखो अगर प्लस है तो ये वर्ड यूज होगा आपका वृद्धि या अधिक के लिए, ठीक है ना। माइनस साइन जो यूज करोगे हानि या कमी के लिए, समझो। तो अब देखो पहले 10% बढ़ी तो प्लस, फिर 20% बढ़ी फिर 20, तो प्लस 10 × 20 बटे कितना हो गया आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हुआ कितना 30%, और प्लस 2 यो कितना बचा आपका 32%। इस टाइम उसकी आय बढ़ चुकी, बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो अभी तक की बात आई समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अभी है ये है आपका, मोहन की आय पहले 15% घटी, यानी पहले 15% घटी, ठीक है, पुनः 5% घटी, इसका मतलब 5%। तो अब माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, तो 15 × 5/100, ये हुआ आपका 20%, और ये बचा 15 × 75 तो 0.7%। तो इसे आप क्या लिख दोगे, घटाओ 19.25%। तो अब उसकी आय में जो कमी हुई कितनी हुई, 19.25%, बात आ गई समझ में। तो ये देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व कर सको आप इस फॉर्मूले के थ्रू। और देख लो, और क्वेश्चन देख लो, तो इसे कर दो रफ। तो इसी तरह के कई क्वेश्चन बनने गए आपके आय संबंधित पे भी पहुंच जाने। देखो आओ, आयताकार जैसे आयत का क्षेत्रफल हो उस पर भी, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ी, कितनी बढ़ी 20%, और चौड़ाई 10% घटी। लंबाई तो जो है आपकी 20% बढ़ी और चौड़ाई जो है 10% घटी, तो प्लस माइनस माइनस ये कितना हुआ 10/100, ये कितना बचा 10 और ये बचा 2, तो हो गया 8%। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं जी। तो इसका मतलब इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। देखो अब इसी तरीके से एक वर्ग की भुजा 25% बड़ी, यानी वर्ग कैसा होता है जिसकी सारी, यानी स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होगा जिसकी ऑल साइड विल बी इक्वल, सारी साइड जो होंगी इक्वल होंगी, और इसका मतलब अगर 25% का एक साइड में डिफरेंस हुआ तो 25% का दूसरी साइड में भी डिफरेंस होगा, समझे। तो देखो यानी 25% बढ़ी तो 25, ये भी 25, और 25 × 25 कितना हुआ 100, तो ये कितना हुआ 50, तो ये हुआ, और ये 6.25 ये मिल जाएगा आपको, समझ गए ना जी। तो कितना होगा टोटल 56.25%, ठीक है, बात आई समझ में जी। तो ठीक, ये हुआ एक वर्ग की भुजा 25% बड़ी तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि। भाई वर्ग होता है जिसकी ऑल साइड विल बी इक्वल, अगर यहाँ 25 बढ़ी तो यह भी 25 बढ़ेगी जी। अब दो लंबाई चौड़ाई दोनों मिली, लंबाई चौड़ाई फिर उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरीके से कभी कभी पूछ लेता है आयतन, आयतन तब निकाल लोगे या अच्छी तरीके से कुछ बातें याद रखनी आयतन के लिए, तो ये तो आगे ना बात समझ में जी। तो ठीक है, लो देखो
एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई, यानी आर जो है आर में 5% की वृद्धि हुई, और हाइट जो है हाइट में 10%, 10% इंक्रीजमेंट हुआ। तो जी इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एक बात को समझो। देखो अगर वर्थ की बात करें, वर्थ का क्षेत्रफल क्या होता था, वर्थ का अक्षेत्रफल वो होता था पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल में कितने की बात होती है सिर्फ आर की। तो बच्चे वैसे अगर देखो यहां मैं आपको बोल दूं सोल्व करना, आप क्या करोगे, गलती गलती किस तरीके से करोगे, इन दोनों को ले लोगे, बट लेना क्या है आर आर, क्यों, क्योंकि अक्षेत्रफल में बात ही आर की होती है, समझे। अगर आयतन निकाल ले, आयतन में फिर जितना क्षेत्रफल होता है उसमें एच की मल्टीप्लाई कर दो तब बने आयतन। तो इसका मतलब अगर पहली बार में आप निकाल लोगे अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल कैसा, 5 + 5, 5 × 5 = 100, और ये 10 तो 10.25 मिल गया, मिला, बात आई समझ में। इसके बाद अगर आयतन, अब आयतन निकालना तो आयतन के साथ क्या लेना आपको, अक्षेत्रफल के साथ एच, तो ये 10 है और 10.25 × ये 10, और ये कितना मिला, बटे 100, इसे जोड़ोगे तो 20.25 हुआ, और इसे जोड़ोगे तो ये कितना हुआ, यानी एक पॉइंट इधर खिसक जानी, तो होगा 1.025, इसे जोड़ दो यहाँ, तो ये कितना हो गया आपका 21 पॉइंट, देखियो कितना मिला, दो दो सात पांच, लो आयतन में ये पड़ेगा इसका फर्क। हाँ तो बात आई सर, हाँ एक बार देख लो, एक बार में क्षेत्रफल निकलेगा, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का निकलेगा, यानी एक बार में क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे तो आर से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब आयतन निकालना, आयतन में क्षेत्रफल रखना, उसके साथ ऊंचाई दे दो, तो ठीक है ये ऊंचाई, क्षेत्रफल ऊंचाई बटे 100, अब यहां मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा आपको 102.5, इतना 100 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट इतना मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ जोड़ दिया बस अक्षेत्रफल, बात आई समझ में जी। तो ये थे आपके अक्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो अब तक के बताओ कोई दिक्कत हो तो, यस लो चलो ध्यान दो। अब है आय पे आधारित प्रश्न, आय पे आय या व्यय, ठीक है ना, खर्च पे या बचत पे। जी अब देखो किस तरीके से सवाल करना आपको, सोन नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, नीलम अपनी आय का किस पर, 20% मकान के किराए पर, चलो जी 20%, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, ठीक। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है, 3,600 रुपये की बचत करती हो, ध्यान से समझो देखो, हाँ यानी कहने का मतलब 3,600 रुपये की बचत करती है। सुनो अगर 20% को क्या लिख दोगे आप, भाई देखो यही समझो, अगर उसकी आय 100 थी, 100 मतलब उसने 20% खर्च कर दिए, अब कितने बचे, 80, मान ले 80% बचे, लो बटे 100, यहां 70 खर्च कर दिए, अब कितने बचे, 30 बचे, लो जी यानी बचत थी। अब ये सारी बचत किसके इक्वल बता दी, 3,600 के, समझ गए, ठीक है, मान लिया ये सारी बचत किसके इक्वल बता दी है, तो काट दो, या एक काम कर लो, ये पूरी आय थी, आय का निकाल दिया हमने, आय का भाई 20% उसने कुछ क्या किया, किराए पे कर दिया, तो 80% बचा। अब इस 80% का 70% उसने मकान उस और मदों पर कुछ और सामान खरीदने पर खर्च करा, तो 30% बचत हुई, अब टोटल ये बचत है, तो जितना कैंसिल कर सको काट दो, 2 0 से 2 0, तो जी इससे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 12, इससे कितना, 8 × 8, 15 × 120, इसकी गुना कर दो, तो आय कितनी थी उसकी नीलम की, 15
1000 रुपये। बताओ समझ में आई बात? ठीक है, बस यही उसने कहा था कि जैसा बचत 20 बचत मतलब उसने 20% घटा खर्च कर दिया पहले, बाद में 70 कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है। तो चलो और देख लो एक क्वेश्चन और इसी तरह का। देखो नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। लो जी, ठीक है। शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। लो तथा परिवहन में व्यय करता है और इसके बाद 1000 रुपये किराए के देता है। लो 1000 रुपये किराए के दिए, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, यानी बचत जो है 1800 रुपये है। तो नारायण का मासिक वेतन कितना है? कोई बात नहीं, अच्छा एक बात समझो, मान लिया उसकी आय कुछ भी थी, हाँ जी ऐसे 30% उसने क्या किया, खर्च कर दिया शिक्षा पर, तो बचत कितनी हुई? 70। इसके बाद 50% वैसे खर्च कर दिया तो 50% ही बचत हुई। अब देखो ये पैसे हैं थोड़े से अजीब सा लग रहा हिसाब, क्योंकि 1000 रुपये उसने किराए में दिए। अगर हम एक बात देख लें कि सपोज करो अभी तक उसने 1000 रुपये किराए के नहीं, देखो अच्छा देखो, तो बात ये थी है ना, उसने 50 यानी कितना था मान लिया आय उसकी x थी, और ये 30% शिक्षा पकड़ दी इसका मतलब 70 बचा उसके पास, और 50% भोजन पर खर्च किया था, अब ये भी बचा। अब उसने 1000 रुपये किराए के दिए, इसका मतलब ये सोच लो कि सपोज करो कि उसने किराया नहीं दिया, तो उसके पास अभी 1800 की बचत थी, तो अब कितने की बचत हुई? 2800 हो जाएगी फिर, अगर किराया नहीं दिया हो। लो जी अगर 2800 दे दिए तो बस और कैंसिल कर दो। देखो इससे क्या होगा, फायदा ये हुआ कि कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। इससे से काट दो 7 चौक 28 है ना, इससे से काट दो कितना 80, तो 100 2 0 ही, तो आय कितनी थी उसकी 8000 रुपये। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो आय संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कॉल कर सको सोल्व, ठीक है। अब समझे मतदान के क्वेश्चन कैसे, हाँ इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन चुनाव संबंधी प्रश्न है, समझो। वैसे तो चुनाव के बारे में समझते ही होंगे आप बिल्कुल, कोई दिक्कत तो है नहीं चुनाव के उसमें। देखो ये है चुनाव, चुनाव की खास बात समझो, चुनाव में होता क्या है। देखो जो भी चुनाव होगा 100% होगा, और कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात को समझ लो। चुनाव 100% होगा, इसमें सपोज करो कि 2 या 3 प्रत्याशी हो सकते हैं, 4 भी हो सके कोई दिक्कत की वजह से तो बात नहीं, पर मैक्सिमम 2 ही यूज होंगे। एक को बोल लोगे आप विनर, एक को बोल लोगे आप लूजर, यानी एक तो जीत रहे विजेता होगा, एक उपविजेता हो जो हारेगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ 100% का चुनाव है, इसे 60% मिले तो इसे कितने मिले होंगे 40%। और दूसरी बात अगर बात करी जाए तो इलेक्शन में ऐसा नहीं बताते, इलेक्शन में बात कैसे करते हैं, इलेक्शन में बात करोगे अगर भाई 1000 वोट तो आप पोलिंग हुआ आपका 1000 थे वोट, ठीक है 1000 वोट में, तो ये कहते हैं इसने ना इसे, बात किस तरह होती, वो 200 यानी 300 वोट से जीतता हो, यही तो बात हो, किस तरीके से बात होती है कि वो 300 वोट से जीतता, तो 300 वोट मान लिया यहाँ तो 300 वोट से जीत गया वो। अब हमारे पे वो सारी वोट का सिस्टम है, वो कितना किस हिसाब से बैठेगा बताओ, किसके अकॉर्डिंग होगा वो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मान लिया अगर देखो वो 300 वोट से जीतता तो हमारा कितने से जीत, कितने परसेंटेज से जीतता 20, अब 20 को 300 बोल दिया उसने, अब जितने का भी मल्टीपल हुए बैठे उस हिसाब से करना आपको, ठीक है। एक बात और, कभी कभी तुमने देखा हो कुछ यानी कुछ बंदे जो हैं अवैध तरीके से डाल देते हैं, अवैध समझो जी, अवैध कैसा होगा, जो गए वैसे तरीके से चले गए और उन्होंने वोट डाल दी, तो नंबर दो से कहने का मतलब ये है, तो अवैध को क्या होगा, उसे घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद फिर सही में से घटाओगे,
ठीक है, अगर 100% है, मान ले 10% अवैध हुए, तो चुनाव कितने का होगा? 90% का। लेकिन यहां मान के 90% आपको 100% ही चलना, समझे? 100% 90% ही समझ कर आप चलोगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे, बात आ गई ना समझ में चुनाव की? चलो समझो फिर। तो देखो, चुनाव पर आधारित प्रश्न है आपके, तो देखो कहा क्या है, ध्यान दो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, यानी चुनाव कितने का होता है? हाँ, चुनाव होता है 100 का, दो उम्मीदवार थे। अब इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, कितना हुआ? लो भाई, विनर को 65 मिला तो हारने वाले कितना मिलागा? 35%। ठीक है, अब 35% अगर मिला तो इसके बाद कितने मतों से जीतता हो? हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितने मतों से? 30। और उसने कहा कि 65% मत कब प्राप्त किए, और वह 900 मतों से विजय हो गया। कितने से? 900। परसेंटेज को उसने 900 बोला, तो इसका मतलब कितने का मल्टीपल? 3 का। तो ये सारे मत थे आपके, यहां 3 की कर दो, तो 3000 का पोलिंग था। कितने का था पोलिंग? 3000 का, समझ गए पूनम? अब उसी हिसाब से अगर देखने चाहो, यहाँ पे पूछ सकता है विनर को कितने मिले, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो भाई 30 की। लूजर को कितने मिले? यहाँ 30 की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात आई समझ में? तो चलो लो, अब इसी तरीके से कर दे रहा ये तो आज कल मार कर चल रहा है। अगला समझो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितने उम्मीदवार हैं? 3। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिले। तो देखो भाई, अगर चुनाव 100% का था आपका, 3 बंदे इसमें हैं आपके, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, जीतने वाला विनर पहले नंबर पर रख दो, लास्ट ये हुआ आपका, तो इसे 45% मिले और लास्ट नंबर पर जो है 25% मिले, तो टोटल कितना होना आपका? 100। ये कितना बना अभी? 70। तो इसे 30% मिले होंगे। अच्छा, अगर कंपैरिजन आप कंपटीशन निकालना चाह रहे हैं तो किसके बीच में होगा? इन दो के बीच में, यानी ये तो हार ही गया पहले ही कम है, तो कोई काउंट ही नहीं करने का। तो उसने कहा यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से हार जाता है, कितने मतों से हारा? यहाँ कितने से हारा? 1500। तो 15% को बोल दिया उसने 4500, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर ये 45 पे 15 या 45, 300 का मल्टीपल, ये भी 300 का होगा, 30,000 का, 30,000 का पोलिंग था। बताओ, अब तक बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं, चुनाव संबंधी सवाल हमारी समझ में आ गए, ठीक? और समझो तो कर दे सर अब, ठीक है, चलो। तो और देखो चुनाव संबंधी, लो एक मिनट दिखाइए ये वाली बुक, जनसंख्या पर आधारित अलग, कभी तो कोई बात नहीं, तो कर लेंगे। चुनाव पर और समझो भी, देखो एक सवाल है। क्या हुआ? अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ध्यान दो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने थे चुनाव में? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, कुल वैध मतों के,
100% चुनाव है और एक उम्मीदवार ने क्या किया, कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अवैध घोषित कर दिए, तो पूनम इसका मतलब अगर 20% अवैध घोषित कर दिए तो बचे कितने, 80%। अब उसने कहा कि कुल वैध मतों के, वैध मत बचे अभी, हाँ यानी वैध मत है ये आपके, वैध मत, वैध मतों का कितना 55%, तो इसका 55% आपको निकालना होगा, 80 का 55%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, इसका मतलब निकाल देंगे वो तो 80 का, 80 का अगर 55 निकालना चाह रहे तो 5 बटे कितना हुआ 100, 0 से 0 ये 11 और ये बचा कितना 2 4, हाँ तो 44% आया। अगर इसे 44 मिले तो इसे कितने मिले होंगे, 36। समझ रहे बात को पूनम भाई, इसे 55 मिले तो इसे 45 मिले, ये एक काम कर दो, अब 55 का 80 का 55% 44 है, तो इसे इसमें से घटा दो 46 बच जाएगा, देख लो तुमने जोड़कर 80 नहीं बन गए, समझ गए ना बात को अब तक। अब उसने क्या किया, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का कितने मत प्राप्त किए, इसे कहा उसने 7500, तो कितने का मल्टीपल हुआ है 75 का। तो अब उसने पूछा कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, तो यहां कर दो बस 75 की मल्टीप्लाई कर दो, 75 की हाँ तो कर दो, कितना बैठा 2700 बैठ रहा, देखो समझ आया बात, ना इस हिसाब, यहाँ हम 80 का हिसाब नहीं लगाते। अब एक बात देखा जाए तो अगर भाई 3000 वोट का पोलिंग है, अधिकारी आए, अधिकारी ने कहा कि 20% गलत गिरे गए, अवैध मत है, उसमें से 20% निकाल दे, अब जितना बचा 3000 में से यानी 20% जितना भी चला गया 600, तो अब जितना भी बचा उस हिसाब से ही तो लगाऊंगे हम अंदाजा, उस अंदाजे को क्या समझोगे आप, 100% समझ कर तब काम करोगे, जो बच गया उसी को तो 100% समझे अवैध चले गए, अब उसे थोड़े लगाओगे आप अंदाजे कितने गलत थे, अब तो इनमें से लगाओगे जो प्योर मत बचे हुए आपके, वैध मत बचे हुए, तो 80% जो है यहाँ 100% का काम कर रहे हैं। अगर 55% इसका 44 है तो इसका बचा 45%, 45% कितना होगा 36, ये बात है, समझे बात को ठीक। अगर बिना निकालते यहां से निकालते, बस उसने ये टोटल दे रखे थे, टोटल का जितने का जो जिसे बोल रहा है उसे कर दूंगा तो मल्टीप्लाई, बात आ गई बिल्कुल समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चुनाव वाले से क्वेश्चन जितने भी है सोल्व कर लोगे जी, ठीक है चलो, लो जी चुनाव वाले क्वेश्चन भी निमटे। तो ये कर लिया नोट, ठीक है।